Kumar, welcome to Marine Institute and Marine Engineering Lectures. This is our 11th lectures on Synergy Engine Exam Lecture Series. So in this lectures, we will going to deal with some concepts of naval architectures. So agar main baat karu Synergy Engine Exam mein naval architecture syllabus mentioned hai, that is your ships, constructions and naval architecture. Okay, so agar main questions ki level ki baat karu to bahut hi basics questions aate hai, law of flotations पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस होती है, शिप्स स्टैटिकल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, केएम केजी जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोंसी पर क्वेश्चंस आते हैं. ओके, मैं बोल सकता हूं लाइक आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर क्वेश्चंस आएगी, आपकी स्टेबल एंड अनस्टेबल की कंडीशंस पर क्वेश्चंस आएगी, मे बी आपकी कुछ एंगल दी गई होगी, ओके एंगल ऑफ हिल दी गई होगी एंड उस क्वेश्चंस में आपको केजी एंड केएम लाइक डिटरमाइन करने को आ सकती है. तो ऐसे बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस आती है. ओके, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही फ्यू क्वेश्चंस आती है, वन और टू. ओके, बहुत ही फ्यू क्वेश्चंस आती है, वन एंड टू क्वेश्चंस आती है एंड बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आती है. ओके, तो मैं बेसिक्स पर ही बात करूंगा बट मेरी जो रेगुलर लेक्चर्स आएंगी. ओके, सो रेगुलर लेक्चर्स में मैं नेवल आर्किटेक्चर सब्जेक्ट लूंगा और काफी अच्छे से ट्राई करूंगा आपको लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए. बट जो हमारी आज की लेक्चर से काफी बेसिक्स लेवल पे मैं बताऊंगा जो हमारी सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में जिस टाइप की क्वेश्चंस पूछी जा सकती है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर. ओके, मींस व्हेन योर वेसल इज इन अपराइट कंडीशन, जब हमारी वेसल अपराइट कंडीशंस पे होती है. ओके, जब हमारी वेसल जो होगी अपराइट कंडीशंस पे होती है. ओके, ओके, तो नाउ सपोज दिस इज आवर जी. जी मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, जी मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ओके, एंड दिस इज आवर बी, दैट इज फोर्स ऑफ बायंसी व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड. So, ये जो हमारी कंडीशन है आप देख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ बायंसी हमारी क्या इन लाइन है. सो ड्यूरिंग व्हेन योर वेसल्स इज इन अपराइट कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ बायंसी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन द सेम लाइन. ओके, ये हमारी इन लाइन होती है. ओके, तो इस कंडीशंस को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ओके, ये हमारी जो होती है इसे मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज वेव्स विंड, हमारी क्या होती है वेसल्स जो होती है ट्रांसवर्स इंक्लाइन होती है एंड दैट ट्रांसवर्स इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड हीलिंग. दैट ट्रांसवर्स इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड हीलिंग. ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हीलिंग एंड लिस्टिंग टू डिफरेंट कंडीशंस होती है. हीलिंग एंड लिस्टिंग टू डिफरेंट कंडीशंस होती है. हीलिंग में योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जी होती है वो हमारी अनअफेक्टेड होती है. अनअफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं होती हमारी जी जो होती है इसी पोजिशंस पे होती है, सेम पोजिशंस पे होती है. ओनली हमारी बायोंसी फोर्स बी जो होती है वो हमारी चेंज होती है ड्यूरिंग योर हीलिंग कंडीशन. बट इन योर लिस्टिंग कंडीशन हमारी जी भी अफेक्ट होती है, जी भी हमारी चेंज होती है. ओके, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखनी है. ओके, सो लेट इट बी कंसिडर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज वेव वाइंड, हमारी क्या हो रही है जो हमारी वेसल्स जो है कुछ ट्रांसवर्स इंक्लाइनेशन हो रही है थीटा थीटा. ओके, नाउ चलो, नाउ दिस इज आवर पॉइंट जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. वेसल्स हमारी हील हो चुकी है, सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. ओके, दैट इज योर वाइंड और मे बी योर वेव्स. ओके, चलो इतना क्लियर है. एंड दिस, ये हमारी बी जो है ये हमारी क्या है सेंटर ऑफ बायंसी. अब हमारे यहां पर क्या हो रही है, पहले कंडीशंस क्या थी, पहले की कंडीशंस कुछ ऐसे थी हमारी, आप देख सकते हो पहले जब हमारी वेसल्स अपराइट थी, वेसल्स जब अपराइट थी तो इसकी कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी थी. एग्री, क्लियर. तो यहां पर हमारी कुछ वॉल्यूम थी एंड अब हमारी कुछ यहां वॉल्यूम हो गई है.
ओके okay, अब हमारे वेसल्स जो है मैंने आपको अभी शो किया है, वेसल्स अब मैंने आपको शो किया कुछ थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ये मैंने आपको शो किया है। तो इस वॉल्यूम को ओके okay, ये हमारे जो पार्ट है ये ट्रायंगल आप देख रहे हो ओके okay, इस वॉल्यूम को मैं बोलूंगा इमर्ज्ड सेक्शन, इमर्ज्ड सेक्शन, एंड इस ट्रायंगल को मैं बोलूंगा इमर्ज्ड सेक्शन। ओके मींस हमारे यहां पर वाटर एडेड हुई है ओके okay, इस पोर्शन पे हमारी वाटर ऐड हुई है एंड इस पोर्शन पे वो हमारी रिमूव हो गई है। तो मैं बोलूंगा इमर्ज्ड सेक्शन, दिस वन इज इमर्ज्ड सेक्शन एंड दिस वन इज इमर्ज्ड सेक्शन। क्लियर है? तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कुछ सेंट्रोइड होगी ओके okay? इन दोनों ट्राइंगल की कुछ सेंट्रोइड होगी। सपोज ये हमारी सेंट्रोइड ए पॉइंट ये है, ये हमारी अनदर पॉइंट है ओके okay? सो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं ओके okay? इसे मैंने ज्वाइन किया एंड इसकी पैरेलल जो होती है वो हमारी बी डैश होगी, बी डैश। क्लियर? मीन्स हमारी शिफ्टिंग, जो बी की जो शिफ्टिंग हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारे इमर्ज एंड इमर्ज्ड सेक्शन की सेंट्रोइड पे डिपेंड कर रहा है। और जो हमारी लाइन जो इन दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा उनकी पैरेलल हमारी बी बी डैश होनी चाहिए ओके okay, ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है शिफ्टिंग ऑफ बायंसी। क्लियर है इतनी? नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जो बायोंसी जो बीडेस हमारी न्यू बीडेस है, न्यू बी है, वहां से मैं अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा एंड जिस पॉइंट पर अगर वो किसी पॉइंट पर वर्टिकल लाइन जो हमारी सेंटर से अगर कट होती है, वर्टिकल सेंटर से जो हमने ड्रॉ किया है ये सेंटर, वो हमारी पॉइंट मेटा सेंटर पॉइंट होती है। आप देख सकते हो मैं इसे ड्रॉ करता हूं ओके चलो, दिस पॉइंट इज एम एंड एम रिप्रेजेंट मेटा सेंटर पॉइंट। मेटा सेंटर पॉइंट मींस एक सस्पेंडेड पॉइंट होती है जहां जिस पॉइंट से हमारी ऑसिलेशन रेस्पॉन्सिबल होती है ओके okay, अगर हमारी कुछ डिस्टर्बेंस आती है तो हमारी वहां पर ऑसिलेशंस रेस्पॉन्सिबल होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड आवर मेटा सेंट्रिक पॉइंट एम। ये हमारी पॉइंट है मेटा सेंट्रिक पॉइंट ओके okay? इतनी क्लियर है आपको? चलो अब हम बात करते हैं अगेन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा के और इट इज कॉल्ड किल, की के डबल ई एल किल ओके। चलो अब आप यहां पर इक्वेशन देख सकते हो, एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली इसकी कंडीशन यही तो है, सेम यही है ना, ये यहां हमारी एम है, ये हमारी जी है, ये हमारी बी है, ये हमारी के, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर आएंगे भी तो इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड एक आध दो क्वेश्चंस मैं लूंगा उस पे आ सकते हैं, अभी तक आए तो नहीं है बट आ सकते हैं ओके okay? इसी पे न्यूमेरिकल आएंगे। अब आप देखो इसके रिलेशंस क्या है, के एम इज इक्वल टू के जी प्लस जी एम, राइट? Km is equal to kg plus gm. Clear? Now, अब इस conditions पे आते हैं ओके okay, इस conditions पे आप देख सकते हो Km, Km जो है इस condition में Km जो है greater than kg, Km is greater than kg. Agree? So, इस conditions में हमारी अगर Km greater than kg होगी तो हमारी gm जो होगी पॉजिटिव होगी, योर जी एम मस्ट बी पॉजिटिव इन दिस केस, के एम ग्रेटर देन के जी, जी एम मस्ट बी पॉजिटिव एंड दिस केस इज कॉल्ड स्टेबल केस, ये केस हमारी स्टेबल केस होगी। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? चलो सो इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन दी जाती है, मे बी आपको के एम एग्जाम में दी होगी, आपको जीएम दी होगी, आपको केजी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मे बी आपको जीएम अवेलेबल होगी, केजी अवेलेबल होगी, आपको केएम की वैल्यू फाइंड होगी। मींस आपकी इसी इक्वेशंस में आपको क्वेश्चंस पूछी जा सकती है एंड सेकेंड क्वेश्चंस आपको पूछी जाती है इन कंडीशंस। मैंने बताया था 2019 में नेवल आर्किटेक्चर्स की दो क्वेश्चंस आई थी एंड एक क्वेश्चन जो हमारी थी कंडीशंस बेसिस पे थी, स्टेबल कंडीशंस में हमारी के एम एंड के जी की रिलेशन दी गई थी एंड जीएम
कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो स्टेटमेंट थी, तो उनमें से ही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके चलो, इतनी आपको क्लियर है। अब मैं बात करूंगा जीएम हमारी पॉजिटिव है। ओके सो अब देख सकते हो ये हमारी वर्टिकल लाइन है जो हमने फोर्स ऑफ बायोसिस से हम लोगों ने ड्रॉ किया है, एंड ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पॉइंट वन जो होगी हमारी सेंटर लाइन हो गई, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन हो गई, एंड जो हमारी बी वाली जो पॉइंट है ये हमारी सेंटर ऑफ बायोसिस हो गई। अब इन दोनों में एक सेपरेशन लाइन होती है। ओके जो जी पॉइंट से मैं एक सेपरेशन लाइन लूंगा, इन दोनों के बीच की सेपरेशन लाइन को मैं बोलूंगा राइटिंग लीवर, राइटिंग लीवर इसे मैं बोलूंगा जेड। ये हमारी राइटिंग लीवर होगी, एंड ये पोजीशन ये हमारी एंगल ऑफ हील है थीटा, ये हमारी एंगल ऑफ हील है थीटा। तो आप यहां पर खुद बताओ जीजेड की वैल्यू क्या होगी। जीजेड फॉर स्मॉल हिल, अगर मैं स्मॉल हिल की बात करूं, स्मॉल हिल से 5 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ओके स्मॉल हिल, जीजेड इज इक्वल टू जी एम साइन थीटा, जीजेड इज इक्वल टू जी एम साइन थीटा। क्लियर इतनी। नाउ फॉर लार्जर एंगल ऑफ हिल, अगर मैं एंगल ऑफ हिल लार्जर कंसिडर करता हूं, लार्जर एंगल पर मैं बात करता हूं, वहां पर जो हमारी राइटिंग लीवर जो होगी वो हमारी उसकी फॉर्मूला डिफरेंट होगी। ओके डिफरेंट होगी फॉर लार्जर एंगल 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री हमारी डिफरेंट होगी। जीजेड, जीजेड मीन्स योर राइटिंग लीवर। तो इन दिस केस जीजेड इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू जी एम प्लस हाफ बी एम टैन स्क्वायर थीटा। चलो ये हमारी लार्जर एंगल के लिए होगी। नाउ अब हमारी राइटिंग लीवर है। ओके सो इन स्टेबल कंडीशंस में इसे क्यों बोल रहा हूं। ओके एंड हमारे जीएम यहां पर क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज जो हमारी राइटिंग लीवर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, मैं बोल सकता हूं जो हमारी राइटिंग मोमेंट है। ओके राइटिंग मोमेंट जो होगी, मैं बताता हूं राइटिंग मोमेंट जो होगी, एंड मैं बोल सकता हूं राइटिंग लीवर जो होगी, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट है राइटिंग मोमेंट की, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी वेसल्स को ब्रिंग बैक करने के लिए, अपराइट पोजिशन में वापस लाने के लिए। ओके तो अगेन अब मैं बात करूंगा योर राइटिंग मोमेंट, मोमेंट सिंपली राइटिंग मोमेंट पे अगर मैं बात करूं आर एम, राइटिंग मोमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इंटू जीजेड, योर राइटिंग लीवर डिस्प्लेसमेंट इंटू जीजेड। ओके इतनी आपको क्लियर है। चलो तो आपको इतनी आई होप आपको क्लियर होगी। चलो अब नेक्स्ट कंडीशन में लेता हूं अनस्टेबिलिटी कंडीशन। अनस्टेबिलिटी सपोज ये हमारी बी है। ओके अगर मैं बी जो हो रही है, अगर मैं बी की डायरेक्शन मींस जो लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, एंड वो हमारी जी जी पॉइंट के नीचे कट होती है, वो पॉइंट तो हमारी एम होगी क्योंकि हमारी कट तो हमारी ये सेंटर लाइन पर हो रही है, वो पॉइंट हमारी एम होगी। वो कट मे बी जी के ऊपर भी हो सकती है, जी के नीचे भी हो सकती है। ओके सपोज अगर हमारी जी के बिलो होती है, आप देख सकते हो मैं इसी डायग्राम में आपको समझाता हूं। ओके ये हमारी बी है, क्लियर, ये पोजीशन एम होगी, क्लियर, ये पोजीशन हमारी क्या होगी एम होगी। तो इस कंडीशंस पे अब आप मुझे बताओ, इस कंडीशंस पे आप मुझे बताओ कि एम यहां पर लेस देन केजी है, राइट, के एम की जो वैल्यू है लेस देन केजी, के एम लेस देन केजी, के एम, ओके के एम की जो वैल्यू है वो हमारी केजी से लेस है, राइट। तो इन दिस केस के एम लेस देन केजी मींस आपके यहां पर जीएम जो होगी नेगेटिव होगी, मींस ये कैप्साइज होगी, ये फर्दर इंक्लाइन हो, सॉरी ये फर्दर हील होगी, एंड ये कैप्साइज होती है इस कंडीशंस में। ओके तो इतनी आपको क्लियर है। एंड एक स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हमारी हील इंक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे हमारी हील इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो केएम जो होती है हमारी इंक्रीज होती है, बट एट वन पॉइंट
हमारी एट वन पॉइंट अगर एंगल ऑफ फील हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है तो हमारी केम जो होती है हमारी डिक्रीज होती है, मीन्स एट लार्जर एंगल ऑफ फील हमारी केम डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? चलो, सो आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इस पे अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ए शिप ऑफ 1000 टन डिस्प्लेसमेंट हैज ए जीएम ऑफ 0.4 मीटर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ स्टैटिकल स्टेबिलिटी व्हेन शिप इज हिल्ड बाय 5 डिग्री। आपको मोमेंट फाइंड करने के लिए बोला गया, मींस आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट? आर एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी जेड। ओके, तो ये हमारी डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स हमारी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1000 है, 1000। अब हमारी जी जेड की फॉर्मूला क्या होती है, हील्ड बाय 5 डिग्री। 5 डिग्री मींस हमारी स्मॉल एंगल ऑफ फील है, मैंने बताया था स्मॉल एंगल ऑफ फील में जी जेड की वैल्यू क्या होगी, जीएम साइन थीटा। अब जीएम की वैल्यू दी गई है क्या, यस, जीएम की वैल्यू दी है 0.4, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 5, ओके 5 डिग्री। चलो कैलकुलेट कर लो, अगर आपको सिनर्जी इंजीनियरिंग एग्जाम में आएगा तो साइन 5 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दी गई होगी। ओके, तो आप फाइंड करो, ओके, आपकी राइटिंग मोमेंट आनी चाहिए आंसर 348.62 टन मीटर। क्लियर? चलो, टन मीटर हमारी यूनिट क्यों हो रही है, क्योंकि डब्ल्यू हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टन, एंड जी जेड हमारी क्या है, लेंथ है। ओके, तो हमारी मीटर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शिप ऑफ 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट हील्ड बाय 6 डिग्री। ओके, If her writing lever is less than 0.1 meter, find the moment of statical stability. If her KM is 8.2 meter, find her KG. KG हमें find करना है। Again, writing moment. Again, writing lever पे है ना? चलो, writing lever GZ is equal to GM sin theta होता है। Okay, so GZ is equal to, अब मैं अब बताओ जीएम को मैं कैसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन पे, आप केम माइनस के जी, केम माइनस के जी इंटू साइन थीटा, राइट? सो जी जेड की वैल्यू दी गई है क्या, राइटिंग लीवर इज लेस देन 0.1 मीटर, चलो तो मैं 0.1 कहीं डाल करके चलूंगा। ओके, राइटिंग मोमेंट इज लेस देन 0.1 मीटर बोला है तो मैं 0.1 लेकर कंसिडर करूंगा। एंड के एम, के एम की वैल्यू दी गई है क्या, के एम की वैल्यू है 8.2 माइनस के जी फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू दी गई है साइन 6 डिग्री, चलो साइन 6 डिग्री, यहां से के जी फाइंड कर लो आप, हो जाएगी के जी फाइंड, यस हो जाएगी ना के जी फाइंड। ओके, कर लो 8.2 माइनस के जी बाय 0.1 बाय साइन 6 डिग्री, 0.1 बाय साइन 6 डिग्री कुछ वैल्यू आएगी, एंड के जी इज इक्वल टू 8.2 माइनस 0.1 बाय साइन 6 डिग्री, राइट? तो आपकी के जी की वैल्यू आनी चाहिए, आप फाइंड कर लो 7.24 आनी चाहिए, अब देख लो। ओके, चलो इतना आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। सपोज अगर मैंने इतना आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके, सपोज अगर मैंने वेट एड किया, ओके, अगर मैं लोड कर रहा हूं, कार को लोड कर रहा हूं, तो हमारी यहां पर क्या चेंजेस आएंगी उस पर हम बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट होगी या डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, मैं इस पर बात करूंगा। ओके, तो इस पर मैं न्यूमेरिकल लेता हूं। ओके, अच्छी न्यूमेरिकल है। इन ए वेसल्स ऑफ 7850 टन डिस्प्लेसमेंट केजी इज 8.4 मीटर, 150 टन ऑफ कार्गो इज लोडेड ऑन द अपर डे, केजी 10 मीटर, फाइंड द फाइनल केजी। चलो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, अगर ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो अगर न्यूमेरिकल आएगी सिनर्जी में जिस लेवल की तो आराम से आप बना पाओ। चलो क्वेश्चन में दी गई है जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप जो है, ये हमारी के से कंसीडर करके चलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी जो हमारी दी हुई है, मीन्स हमारी जी जो हमारी दी गई है, के इंटू स्मॉल जी जो हमारी दी गई है, गिवन है 8.4 मीटर, वेसल की है 8.4 मीटर, राइट? नाउ इसके डिस्प्लेसमेंट जो है, ओके,
वेसल्स के डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी 7850 टन है, राइट। चलो क्लियर। कार्गो इज लोडेड ऑन द अपर डेक। ओके, कार्गो जो है अपर डेक पर हमारी लोड हो रही है, उसकी वेट 150 टन है, ये लोडेड कंडीशन पर है। ओके, लोड की जा रही है एंड इसकी वेट कितनी है 150 टन। तो आप बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल डब्ल्यू में बोलूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी स्मॉल डब्ल्यू है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 7850 प्लस 150 दैट इज 8000, राइट, 8000 टन। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द फाइनल केजी। अब आप बताओ अगर मेरी वेट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी फाइनल केजी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताओ यहां पर इसकी कार्गो जो लोड हो रही है तो यहां पर इसकी कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, मींस यहां पर हमारी कुछ कैपिटल जी है, राइट। तो कैपिटल जी हमारी दी गई है केजी 10 मीटर, 10 मीटर मीन्स आप देखो यहां इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है 8.4 मीटर, ओके, एंड हमारी इसकी वैल्यू के टू कैपिटल जी, इसकी वैल्यू है हमारी 10 मीटर। अब मुझे फाइंड करना है कितनी केजी, जो हमारी न्यू केजी ऑफ शिप जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप, न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा स्मॉल डी। ओके, स्मॉल डी मींस मैं फाइंड करूंगा अब हमारी डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप, के इंटू मींस के जी, स्मॉल जी के जी, ये जो हमारी ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप है, एंड के जी कैपिटल जी जो है ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, ये हमारी जो कार्गो जो लोड हो रही है वो है हमारी। ओके, तो इन दोनों के डिफरेंस सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा दैट इज स्मॉल डी, मैं ये फाइंड करूंगा स्मॉल डी, एंड 10 - 8.4 = 1.6 मीटर। इतने क्लियर है आपको। चलो नाउ अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जी जीवन। अब मैं बताता हूं ये जी जीवन क्या है, जी जीवन इज इक्वल टू डब्ल्यू डी बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब ये जी जीवन क्या है, ये जो हमारी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट, कितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिफ्ट जो हमारी शिफ्ट हो गई है कार्गो जब लोड हुई तो, वो है हमारी जी जीवन, जी जीवन, राइट। चलो तो स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू हमारी कार्गो लोड हो रही है डब्ल्यू 150 इंटू डी जो मैंने फाइंड किया 1.6, कैपिटल डब्ल्यू 8000, राइट, इसकी वैल्यू आ रही है 0.03, राइट, 0.03 मीटर। इतनी 0.03 मीटर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी। अब आपको कंडीशन याद रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है मीन्स हमारी लोडिंग कंडीशन पे, राइट। ओके, लोडिंग कंडीशन, तो हमेशा याद रखना व्हेन द कार्गो इज लोडेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कार्गो लोडेड, मींस यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी, ये हमारी जी जीवन है, ये हमारी शिफ्ट है, कितनी शिफ्ट हुई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट हमें क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, आपकी ऑप्शंस ये भी हो सकती है, बट आपकी क्वेश्चंस में पूछ रहा है फाइनल केजी, तो हमारी फाइनल केजी मींस लोड होने से पहले हमारी केजी इनिशियल कितनी थी, केजी इनिशियल कितनी थी लोड होने से पहले 8.4, यस 8.4 थी, मींस हमें केजी इनिशियल मैं बोलूंगा प्लस जी जीवन, तो 8.4 प्लस 0.03 दैट इज 8.43 मीटर, ये आपकी आंसर होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हो। ओके चलो, तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कुछ कोफिशिएंट, फॉर्म कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे,
एंड नेवल आर्किटेक्चर से तो बहुत रेयरली क्वेश्चंस आती है, बहुत कम क्वेश्चंस आती है, आती भी है तो लाइक यही सब आएगी आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट अपवर्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ कार्गो लोडेड होगी या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कार्गो लोडिंग होगी, ये सारी क्वेश्चंस आती है। ओके, ऑब्जेक्टिव में ही बहुत सारी यहाँ पर आपकी कवर हो गई है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद मरीन ट्यूटर। थैंक यू।